नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। चलिए देवप्रयाग से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में तीर्थ पुरोहितों की तरफ से चार धाम देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किए जाने से आक्रोशित तीर्थ पुरोहितों ने देवप्रयाग में जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की है। इस दौरान संगम पर राज्य सरकार का पुतला भी फूंका गया। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि जब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करेगी उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। नवंबर 2019 में उत्तराखंड विधानसभा की तरफ से चारों धामों और अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों के संचालन के लिए एक विधेयक विधानसभा में पास किया गया था, जिसे नाम दिया गया था देवस्थानम एक्ट। इस एक्ट के तहत मंदिरों में आए चढ़ावे का पूरा हक इस बोर्ड का होगा। इसके अंतर्गत सामाजिक कार्य, चार धाम यात्रा विकास, यात्रियों को दी जाने वाली हर सुविधा पर पूरा नियंत्रण इस बोर्ड का होगा और इस बोर्ड के मुखिया खुद राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। इसी मामले में तीर्थ पुरोहित लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक्ट हमारी संस्कृति के खिलाफ है। उनकी मांग है कि इस एक्ट को भंग किया जाए और जैसे सालों से मंदिर के पुरोहित हर चीज की देखभाल करते आए हैं वैसे ही चलते रहने देना चाहिए। मंदिर समितियों का पक्ष है कि सभी विकास कार्य जो सरकार करने के दावे कर रही है वही सारे काम मंदिर समितियां भी करती आई है, बस इसमें थोड़े सुधार की जरूरत है जिसे दूर किए जाने का लगातार प्रयास किया जा रहा था। पूरे उत्तराखंड में जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में भाग लिया है, मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि ये आंदोलन और तेज होगा, दिनों दिन और तेज होगा और जो हाई पावर कमेटी सरकार ने बनाई है तो हम इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड भंग कर दें और पूर्व की भांति बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जैसे कार्य करती थी वो करे। बद्रीनाथ केदारनाथ सब जगह डेवलपमेंट हो, कोई हमें उसका ऐतराज नहीं। सारी जगह की यात्राएं खोली हुई है, केवल चार धाम यात्रा ही बंद करी हुई है। सारे पर्यटन आपने खोल चुके हैं और हमारे चार धाम ही बंद किए हुए सरकार ने, इसलिए ये सरकार से निवेदन है कि इस जल्दी से जल्दी इस देवस्थान बोर्ड को भंग करके और हमारी यात्रा चालू कर दी जाए। मामले में तीर्थ पुरोहित पिछले काफी समय से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तीर्थ पुरोहितों से बातचीत की थी पर उसका कोई खास निष्कर्ष निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। अब तीर्थ पुरोहितों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती तो उनकी तरफ से 17 सितंबर को चार धाम हकूधारी महापंचायत की अगुवाई में मुख्यमंत्री आवास पर कूच किया जाएगा। देवप्रयाग से भगवान सिंह, न्यूज वन इंडिया। उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इंतजार रजा जुड़ चुके हैं। इंतजार जी, ये बताइएगा, तीर्थ पुरोहितों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, इस पर सरकार का अब क्या रुख है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है तीर्थ पुरोहितों का, ये केदारनाथ से जो यात्राएं हैं तो यात्राओं को सरकार द्वारा बंद किया गया है, जिस संबंध में तीर्थ पुरोहित जो है वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार से जो यात्राएं हैं यात्राओं खोले जाने की जो है तो उन्होंने पहले तो आग्रह भी किया है लेकिन तीर्थ यात्राओं के लिए जो चार धाम यात्रा है वो नहीं खोली गई। तो जो तीर्थ पुरोहित है केदारनाथ के और चारों धाम के वो लगभग धरने पर बैठे हुए हैं और यदि उनका कहना यह है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आने वाले समय में तीर्थ पुरोहित समाज अन्य संगठनों को साथ में लेकर के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा और जिसके लिए धरने जगह जगह धरने किए जाएंगे और जो सरकार है सरकार को चारधाम यात्रा को खोलने के लिए एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। जी जी इंतजार जी, इससे पहले बताया गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बात करने की कोशिश की थी, कहां पर पेच फंस रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताऊं, देखिए सबसे पहली बात तो है कि जो कोरोना अपडेट है और जो कोरोना की जो तीसरी लहर है उत्तराखंड में आवागमन हो गया है और जगह जगह कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और सरकार जो सजग कार्रवाई है सभी को संबंधित जिलाधिकारी को आदेश भी दिए हुए हैं कि अपने जिला क्षेत्र में सभी लोग इस संबंध में कार्रवाई करेंगे और जो भी सुरक्षा की जो संसाधन है उन सबको लागू करेंगे। तो इसी संबंध में मेन जो है इसमें अड़चनें आ रही है तीर्थ यात्रा और जो चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए
कोरोना की तीसरी लहर के बचाव को देखते हुए ही जो चारधाम यात्रा है उनको स्थगित किया गया है, जिसके संबंध में तीर्थ पूरे समाज जो है उसमें रोष है काफी और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी मुख्यमंत्री आवास को भी घेरने की तैयारी की जा रही है इनकी तरफ से, उसको लेकर बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो तीर्थ पुरोहित समाज है उन्होंने कहा है कि यदि चारधाम यात्राओं को खोले जाने के संबंध में सरकार कोई ठोस फैसला नहीं करती है और चारधाम यात्राओं को जो नहीं खोलती है तो तीर्थ पुरोहित समाज है वो अन्य संगठनों को साथ में लेकर के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा। जी जी देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए जो लगातार जो मांग उठा रहे हैं तीर्थ पुरोहित, इसकी मांग सरकार क्या कर रही है, सरकार इस पर किस तरीके से विचार कर रही है? जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो बोर्ड है जो केदारनाथ डेवलपमेंट का जो बोर्ड बनाया गया है जिसके संबंध में चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है, इस बोर्ड में जितने भी कमेटी सदस्य हैं सभी का जो ये बोर्ड भंग करके तीर्थ पुरोहित जो पहले परंपरा चलती आती थी उन्हीं को साथ में लेकर के सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि जो तीर्थ पुरोहितों की पहली परंपरा है उन्हीं को केदारनाथ और अन्य धामों में लागू किया जाए और अन्यथा अगर कोई इस तरह का अलग डेवलपमेंट यहाँ रहता है तो उसका विरोध तीर्थ पुरोहित साथ में लेकर कर रहे हैं। और सरकार का जो फैसला है सरकार अपने संबंधित अधिकारियों को और केदारनाथ डेवलपमेंट के जो अधिकारी उसमें लगे हुए हैं सभी को सजग किया हुआ है कि जो केदारनाथ डेवलपमेंट का जो एरिया है और तीर्थ पुरोहितों की जो समस्याएं हैं उन्हें किस तरह से नई पटरी पर लाया जाए तो सरकार इसके लिए भी विचारबद्ध है। जी जी बिल्कुल इंतजार जी, आगे की रणनीति तो उनकी पता चल चुकी है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की तैयारी में है, इसके इतर अभी क्या रणनीति इनकी आपको नजर आ रही है? जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं, देखिए सरकार का सबसे पहले तो सरकार का कहना गलत नहीं है कि सरकार को जो तीर्थ पुरोहित समाज है, देखो उत्तराखंड जो है वो एक देवभूमि माना जाता है और जो अभी बयान आया था कि भारत की जो आध्यात्मिक जो राजधानी है उसको भी कुछ टाइम के बाद उत्तराखंड को जो धार्मिक राजधानी है तो उत्तराखंड को ही इसका रूप दिया जाएगा, तो उसी संबंध में सरकार को तीर्थ पुरोहितों की भावनाओं को ध्यान में रखकर अन्य जो कमेटी है उनको फैसले के लिए या कहीं जो अन्य चारधाम यात्रा का जो निर्णय है उसको लेना मुख्य रूप से लेना चाहिए। जी अच्छा इंतजार जी, अन्य राज्य भी हैं जहां पर मंदिरों में जो चढ़ावा आता है उस पर सरकार अपना दावा पेश करती रही है, ऐसे में उत्तराखंड में क्या समस्या आ रही है, तीर्थ पुरोहित इस फैसले को मानने से लगातार इनकार क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, जो मंदिरों में जो चढ़ावा आता है या अन्य जो दान आते हैं तो सरकार जो डेवलपमेंट केदारनाथ में करी, इतनी बड़ी क्षति जो आपदा के समय केदारनाथ में हुई थी कि मंदिर के अलावा अन्य सभी चीजें वहां की नष्ट हो गई थी, तो सरकार द्वारा दोबारा डेवलपमेंट करके उन सभी को नई पटरी पर लाया जा रहा है, तो ऐसे में नहीं बनता है कि तीर्थ पुरोहितों को इस दान चंदे को लेकर कोई विवाद खड़ा करना चाहिए, बल्कि सरकार का सहयोग करना चाहिए कि जो डेवलपमेंट जो हो रहा है तो सरकार का खासा इसमें देखो पूरा डेवलपमेंट होता है तो किस तरह डेवलपमेंट किया जाता है, तो उसमें खाली चंदा या दान भत्ता इन चीजों से डेवलपमेंट नहीं हो सकता, तो सरकार की जो रणनीतियां हैं वो मुख्यतः केदारनाथ के डेवलपमेंट को लेकर विकास की तरफ है कि किस तरह से जो केदारनाथ का जो मूल रूप था उसी मूल रूप में केदारनाथ को किस अवस्था में लाया जाए। जी जी विकास को लेकर ये सब सरकार की ओर से किया जा रहा है। अच्छा इंतजार जी एक चीज और जानना चाहेंगे कि आगे की जो रणनीति है मुख्यमंत्री आवास को घेरने की, आपको क्या लगता है कि इससे कुछ निकल कर आएगा सामने? जी बिल्कुल मैं आपको बताऊँ, देखिए जो मुख्यमंत्री आवास घेरने की रणनीति है, लगता है जो मुख्यमंत्री की जो मंत्रिमंडल है चाहे वो आपदा प्रबंधन का हो चाहे वो निर्माण विभाग का हो चाहे वो केदारनाथ डेवलपमेंट सोसाइटी का हो, अन्य जो विभाग है मुख्यमंत्री लगभग सबसे लगभग उनको इसमें एक बार फिर पुनः विचार विमर्श करना चाहिए कि जो तीर्थ पुरोहितों की समस्या है, देखिए तीर्थ पुरोहित भी जो है वो चारों धाम के तीर्थ पुरोहित हैं, जो केवल जो यात्राएं चलती हैं इन्हीं के ऊपर उनका जो अग्रसर रहते हैं पालन पोषण होता है, तो यदि इन्हीं चीज पर अंकुश लगा दिया जाएगा तो जो अन्य सुख सुविधाएं हैं तीर्थ पुरोहितों की तो शायद बंद हो जाएंगी, तो सरकार के खिलाफ जो सरकार का जो धरना किया जा रहा है या मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा रहा है, इससे पहले ही सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि वार्ता करके इन तीर्थ पुरोहितों के जो है तो सम्मान को ठेस ना पहुंचाते हुए कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि सरकार का जो घेराव करने की रणनीति है वो बंद हो और तीर्थ पुरोहितों के सम्मान में या इनके पक्ष में कोई ऐसा फैसला आए जिससे कि चारधाम यात्रा भी सुचारू रूप से चल जाए और सरकार का जो मेन प्रवचन है कि कोरोना की तीसरी लहर से भी लोगों को बचाया जाना है, तो उसी संबंध में कोई अगर से रिजल्ट सामने निकल कर आए। जी अच्छा इंतजार जी एक चीज और दर्शकों के लिए समझना जरूरी है, ये बताइएगा कि अगर हम दो प्रदर्शनों को एक नजर से देखते हैं, किसान प्रदर्शन की बात करें जो दिल्ली में चल रहे हैं, इसके अलावा जो तीर्थ पुरोहितों का धरना है इसको अगर हम संज्ञान में लेते हैं, ये बताइएगा कि सरकार से अभी तक जो नेतृत्व कर रहे हैं तीर्थ पुरोहितों का उन्होंने कोई बात की है 1-to-1?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, देखिए जो धरने की बात है, किसान दिल्ली में धरना कर रहे हैं, तो जिसकी जड़ें लगभग पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जगह जगह पहुंच चुकी है। खासकर जो किसान लोग हैं, धरने को लेकर के जगह जगह टोल प्लाजा को निशाना बनाया हुआ है, और टोल प्लाजा पर किसान जो है तो अपने धरने पर बराबर बैठे हुए हैं। तो उसी संबंध में जैसे तीर्थ पुरोहितों ने अभी केदारनाथ डेवलपमेंट को लेकर, या केदारनाथ की जो, या अन्य चारधाम यात्राओं को लेकर के जो भी धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिनके संबंध में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की बात कही जा रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यदि ये मामला बढ़ा है, क्योंकि धार्मिक मामला है, और धार्मिक को देखते हुए यदि ऐसा स्थिति उत्पन्न होती है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के बाद भी कोई सक्षम रिजल्ट सामने नहीं आता है, तो लगता है कि जो जैसे किसान आंदोलन पूरे भारतवर्ष में फैल गया है, तो शायद ही धार्मिक आंदोलन को देखते हुए तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन भी पूरे भारत में फैलने की आशंका जताई जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इंतजार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूरी कहानी यह है कि तीर्थ पुरोहितों का धरना जो बीते लंबे समय से लगातार जारी था, इसके बाद अब सीधे सीधे तीर्थ पुरोहितों ने कह दिया है कि अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती, जल्दी उनके पक्ष में अगर फैसला नहीं आता है, तो वो मुख्यमंत्री का आवास घेरने की तैयारी में है। ये बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आवास घेरने की चेतावनी सी दी है तीर्थ पुरोहितों ने। आपको बता दें कि बीते लंबे समय से तीर्थ पुरोहित अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से कई दफ़ा बात करने की भी कोशिश की गई, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को लेकर कोई भी फैसला नहीं आया, जिसके बाद अब तीर्थ पुरोहितों ने साफ कह दिया है कि अगर आगे कोई फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है, तो वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आवास घेरने की तैयारी करेंगे। आए दिन लगातार उत्तराखंड में अवैध खनन की खबरें सामने आ रही हैं। यह अवैध खनन का सिलसिला लगातार चल रहा है और इसके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। ताजा मामला रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर रामपुर सोलारी नदी से दिन रात अवैध खनन हो रहा है, और अवैध खनन पर कोतवाली पुलिस और स्थानीय प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। वहीं जब खुलेआम चल रहे इस अवैध खनन की कवरेज हमारे न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने की, तो रामपुर चुंगी से लेकर आजाद नगर चौक तक सैकड़ों ट्रॉली ट्रैक्टर दौड़ते नजर आए, जबकि वहीं पर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल और एक होमगार्ड भी मौके पर मौजूद थे। जब अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर ने आजाद नगर चौराहे पर जाम लगा दिया, तो ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैक्टर को वहां से रवाना कर जाम खुलवा दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। धड़ल्ले से आपको बता दें कि अवैध खनन का जो काम है वो चल रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ते नजर आ रहे हैं सड़कों पर, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने ये पूरी पड़ताल की, उन्होंने रामपुर चुंगी से लेकर आजाद नगर चौक तक सैकड़ों ट्रॉली दौड़ते हुए देखी, जबकि वहीं पर बताया गया है कि ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल और एक होमगार्ड मौजूद थे। जब अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर ने आजाद नगर चौराहे पर जाम लगा दिया, तो ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैक्टर को वहां से रवाना कर जाम खुलवा दिया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन जो है वो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, और बाकी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। रुड़की से इस खबर पर हमारे साथ इंतजार रजा जुड़ चुके हैं। इंतजार रजा जी, ये बताइएगा, ये आपके सामने आपने देखा, ये सब तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से प्रशासन के सामने ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन प्रशासन मौन क्यों बना हुआ है? जी बिल्कुल, मैं देखिए आपको बता दूं, जो ये खनन का जो खुला जो कारोबार चल रहा है, रुड़की क्षेत्र का मामला है, जहां जो प्रशासनिक विभाग, जो कार्यवाहक तंत्र है, जो कार्यवाहक विभाग है, सभी के ऊपर एक सवाल या निशान खड़ा कर देता है कि आखिर खुले रोड पर जाम लग जाता है, एक खनन से भरा, अवैध खनन से भरा एक ट्रैक्टर जाम लगा देता है, जिसको प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी तब मिल करके जाम खुलवाते हैं, लेकिन उस ट्रैक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्यों, आखिर क्या कारण रहा कि इस खनन से भरे, अवैध खनन से भरे इस ट्रैक्टर के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, और जो यकीनन ये साफ बात है कि जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो काम न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने किया है, लेकिन इंतजार जी ये चीज और जानना चाहेंगे कि ऐसे मामलों में कई दफा देखा गया है कि प्रशासन के साथ इन भू, ये जो करते हैं अवैध खनन का काम, इनका गठजोड़ देखने को मिलता है, तो क्या ये तस्वीर यहां पर भी है?
जी बिल्कुल, मैं देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे ये ट्रैक्टर है जिसके द्वारा अवैध खनन में लदा हुआ ये ट्रैक्टर है, इसके द्वारा जाम लगा दिया जाता है। तो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया हम वहाँ पहुंचे हुए थे, तो हमारे द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी जाती है, तो प्रशासनिक अधिकारी इस ट्रैक्टर पर कार्रवाई न करते हुए बल्कि इससे हटा करके जाम खुलवाने का काम करते हैं, जबकि अवैध खनन पर साफ तौर से बोला गया है कि अवैध खनन जिले में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन केवल हवाई फुहारा के नाम से कार्रवाई है कि जो अवैध खनन से भरे लोडर वाहन है, चाहे वो अवैध लोड वाहन चल रहे हो या अवैध खनन से भर के वाहन चल रहे हो, किसी तरह की कार्रवाई रुड़की क्षेत्र में इन ऐसे वाहनों पर नहीं की जा रही है, जो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर या अन्य विभाग के ऊपर एक सवाल निशान खड़ा करता है। आखिर क्यों ऐसा है कि सब कुछ सामने रहते हुए भरे बजाज दौड़ते हुए इस अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो पाई? जी जी बिल्कुल, तस्वीरों में भी हमारे दर्शक साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से खुलेआम ये ट्रैक्टर अवैध खनन का काम कर इस तरीके से धड़ल्ले से सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, जिसके बावजूद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हालांकि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ने इन सब तस्वीरों को अपने कैमरों में कैद कर लिया है। अब देखना अहम होगा कि इन तस्वीरों को देखने के बाद प्रशासन नींद से जागता है या फिर यूं ही सोता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंतजार रजा जी हमसे जुड़ने के लिए। वहीं उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर नौकरशाहों में बड़ा फेरबदल करते हुए 8 आईएएस समेत 43 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इन तबादलों में सरकार ने 4 विभागीय सचिवों से निदेशक का पदभार हटाते हुए प्रशासकीय व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया है। सचिव राधिका झा और एसए मुरुगेशन को अतिरिक्त पदभार देकर शासन ने उनका कद बढ़ाया है। शासन की तरफ से जारी तबादला सूची के अनुसार सचिव नीतीश कुमार झा से निदेशक पंचायत राज का पदभार वापस लिया गया है। सचिव राधिका झा को निवेश आयुक्त नई दिल्ली की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। सचिव एस ए मुरुगेशन को सचिव ग्राम्य विकास का अतिरिक्त पदभार दिया गया है। सचिव हरिचंद्र सेमवाल से निदेशक आईसीडीएस का जिम्मा वापस लिया गया है। प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन से निदेशक शहरी विकास का पदभार वापस लिया गया है। तो ये 8 आईएएस समेत 43 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिनमें सभी के नाम भी दिए गए हैं। ये जो तबादलों की जो सूची है ये न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के पास है, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देख सकते हैं। तो नौकरशाहों के तबादलों की ये बड़ी खबर आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर देख सकते हैं। देहरादून से खबर है जहां 8 आईएएस समेत 43 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार का एक बड़ा कदम जहां नौकरशाहों में एक बार फिर इनके बीच में तबादलों की झड़ी लगाई गई है। नौकरशाही में बड़ा फेरबदल इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि 8 आईएएस समेत 43 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये एक बड़ी संख्या है। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर ये पूरी सूची देख सकते हैं जहां पर 8 आईएएस समेत 43 अधिकारियों के तबादले की पूरी जानकारी आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि पदभार हटाते हुए प्रशासकीय व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया गया है, ऐसा कहना है। साथ ही यह बड़ी खबर है जो देहरादून से आ रही है, जहां पर इतने सारे अधिकारियों का एक साथ तबादला किया गया। आपको बता दें इसमें 8 आईएएस भी शामिल थे और इन 8 आईएएस के साथ ही 43 जो कुल अधिकारी हैं इनका तबादला कर दिया गया है। सबको अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, अलग अलग पदभार पर इनका तबादला किया गया है और कहा गया है कि शासकीय कार्यों में अच्छा काम हो सके इसके लिए यह पूरा प्रयास किया गया है। तो उत्तराखंड के देहरादून से यह बड़ी खबर है जहां नौकरशाही में एक बार फिर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 8 आईएएस सहित कुल 43 अधिकारियों का तबादला किया गया है। यह बड़ा फेरबदल सामने आता हुआ देहरादून से, जहां पर 8 आईएएस समेत 43 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर आप इसको समझ सकते हैं कि नौकरशाही में यह एक बड़ा फेरबदल किया गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुभाष गौड़ जुड़ चुके हैं। सुभाष गौड़, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुभाष जी, ये जानना चाहूंगा कि इतना बड़ा फेरबदल किया गया है, पूरा जो शासकीय ढांचा है उसको बदल दिया गया है, तो इस फेरबदल के पीछे का मुख्य कारण क्या देखते हैं आप? प्रशासनिक अधिकारियों के लगातार तबादले किए जाते हैं और उसकी मुख्य वजह ये होती है कि जिस तरीके की टीम मैनेजमेंट अभी तक मुख्यमंत्री कर रहे थे और जो काम वो पसंद करना चाहते थे वो काम पूरा नहीं हो पा रहा था, इस वजह से लगातार तबादले किए जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो 43 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें मुख्यतः ये कहा जा सकता है कईयों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, तो कहीं को जिस पद पर वो थे उसके अलावा अतिरिक्त भार दिया गया। वहीं अगर बात की जाए तो
आईएएस अधिकारी नितेश कुमार झा को हटाया गया है निदेशक पंचायती राज विभाग से, यानी कि पिछले लंबे समय से पंचायती राज विभाग देखते थे और इसके बाद अब एस ए मुरुगेशन को सचिव बनाया गया है ग्राम विकास का। कुल मिला के कहा जा सकता है कि अधिकारियों के कुछ विभाग हटाए जा रहे हैं तो कुछ नए महत्वपूर्ण विभाग उनको दिए जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए हरीश चंद्र सेमवाल को हटाया गया है निदेशक सैमी बाल विकास परियोजना से, वहीं विनोद कुमार सुमन को हटाया गया है निदेशक शहरी विकास, ये लंबे समय से शहरी विकास के सचिव थे और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसमें निभा रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में। वहीं अब मुख्यमंत्री बदलने के बाद इनके विभागों में भी बदलाव किया गया। वहीं विजय कुमार यादव को हटाया गया है कौशल विकास विभाग से, आशीष कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है अपर सचिव नियोजन, यानी कि इससे पहले आशीष कुमार जो श्रीवास्तव हैं ये राजधानी देहरादून के डीएम रह चुके हैं, एमडीडीए के ये एमसीए रह चुके हैं और कुल मिला के कहा जा सकता है कि स्मार्ट सिटी की जो तमाम योजनाएं हैं वो यही देखते थे। इसके साथ ही इन्हें अपर सचिव नियोजन की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही नीतीश सिंह भदौरिया को अपर सचिव पंचायती राज तथा निदेशक राजस्व भी दिया गया। कुल मिला के कहा जा सकता है 43 ऐसे महत्वपूर्ण विभाग थे जिनके विभागों में फेरबदल किया गया और जो सचिव थे या फिर कहा जा सकता है जो आईएएस अधिकारी थे उनके विभागों में फेरबदल के साथ ही उन्हें कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव नजदीक है तो कहा जा सकता है कि ये लाजमी था कि मुख्यमंत्री अपनी टीम बदलेंगे, आईएएस की टीम बदलेंगे, पीसीएस की टीम बदलेंगे, पुलिस विभाग में बदलाव करेंगे और कहा जा सकता है जिस तरीके से आए दिनों नए ट्रांसफर लिस्ट रोजाना जारी होती तो उसी कड़ी में लगभग 43 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, नहीं कहा जा सकता है विभाग उनके बदले गए हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सुभाष ये चीज आपने शुरुआत में कही कि मुख्यमंत्री जैसा काम चाहते थे वैसा काम होता नजर नहीं आ रहा था, तो क्या इसमें ये समझा जाए कि मुख्यमंत्री की नाराजगी भी इसमें शामिल है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री क्योंकि प्रदेश के मुखिया है और वो चाहते हैं कि जो आईएएस अधिकारी हैं या पीसीएस अधिकारी हैं वो तमाम उन योजनाओं को बेहतर तरीके से करें, उन सभी चीजों को बेहतर तरीके से प्रदेश में चलाए जिससे कि प्रदेश का विकास हो और इसके साथ ही क्योंकि चुनाव नजदीक हो तो कामों में तेजी आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फेरबदल करना बहुत जरूरी था और लंबे समय से जिस तरीके से ये कहा जा सकता है अधिकारी एक ही विभाग को देख रहे थे तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सुभाष जी आपने चुनावों का भी जिक्र किया जी सुभाष जी, और जो अधिकारी कहीं ना कहीं लंबे समय से बेहतर काम अपने विभागों में नहीं कर रहे थे जी सुभाष जी आपने चुनावों का भी जिक्र किया जी सुभाष जी आपने चुनावों का भी जिक्र किया, इससे ये सवाल उठता है कि जैसे कि हम चुनावों से पहले देखते हैं कि कैबिनेट में रीशफल देखा जाता है वो चुनावों को देखते हुए किया जाता है, ऐसे में सिस्टम में जो रीशफल किया गया है या क्या चुनावों को देखते हुए किया गया है? जी बिल्कुल, चुनाव भी बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है क्योंकि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी उन्हें बहुत कम समय मिला है सरकार को चलाने का और ऐसे में अभी तक वो अपनी टीम बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जो टीम है वो तो पूरे तरीके से नहीं बन पाई, लेकिन क्योंकि जो अधिकारी हैं उनको किस तरीके से सेटलमेंट किया जाए उनको किस तरीके से काम निकाला जाए इसकी तैयारी मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है और जिस तरीके से पिछले अगर बात की जाए पिछले 10 दिनों से कई बार जो अधिकारी हैं या खासतौर से आईएएस पीसीएस अधिकारी हैं उनके विभागों में फेरबदल किया जा रहा है तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री की जो मुख्य नजर है वो नौकरशाहों पर है क्योंकि नौकरशाह कहीं ना कहीं राजनेताओं पे बहुत हावी होते हुए नजर आए थे त्रिवेंद्र सरकार में और यही कारण था कि जी बिल्कुल चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए ये पूरा जो सिस्टम का रीशफल है किया जा रहा है। सुभाष जी जी सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाकी कम समय है पुष्कर सिंह धामी जी के पास तो इसको देखते हुए ये जो पूरा रीशफल है सिस्टम में ये किया गया है, बाकी बहुत बड़ी खबर है ये उत्तराखंड से जहां पर 43 अधिकारियों का फेरबदल कर दिया गया है। वहीं किसानों का सरकार के खिलाफ विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लगातार किसान सरकार की तरफ से लाए गए तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं जिसके चलते रुद्रपुर दौरे पर पहुंचे नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट की जन आशीर्वाद यात्रा का किसान नेताओं ने विरोध किया। वहीं किसानों की तरफ से विरोध किए जाने पर पुलिस ने किसान नेताओं को काशीपुर रोड पाम ग्रीन कॉलोनी और एलायंस रोड के पास रोक लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि इस बीच किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद किसानों पर काबू पाया और उन्हें हिरासत में लिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के मांग को लेकर कृषि
कानून जो लाए गए थे उनको वापस लिए जाने की मांग को लेकर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उसी प्रदर्शन का नजारा है। हल्द्वानी के टांडा हार्ट स्टेशन आगरा फोर्ट से चलकर रामनगर जा रही ट्रेन की चपेट में आकर बच्चा हाथी से नर हाथी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हाथियों की मौत की खबर जैसे ही वन विभाग को मिली तो वन विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। ट्रेन के यात्रियों को वापस सिडकुल हॉल्ट से रामनगर काशीपुर गुल भरोच के लिए बस के जरिए भेजा गया। इस घटना से गुस्साए हाथियों ने रेल ट्रैक घेर कर ट्रेन को आगे जाने नहीं दिया। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथियों को शांत करने का उनको इंतजार किया, उनको शांत कराने की कोशिश की। घटना के बाद काशीपुर से कासगंज आने वाली ट्रेन भी वापस गुलर भोज से काशीपुर को भेज दी गई है। बताया जाता है कि यह घटना सिडकुल रेलवे हॉल्ट से करीब 500 मीटर घनघोर जंगल में हुई, जहां पर मोबाइल सिग्नल भी नहीं आ रहे हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद कोषागार के डबल लॉक की सुरक्षा गार्ड में तैनात पुलिसकर्मी सुनील यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वहीं इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि घटनास्थल पर जांच के लिए अधिकतर पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी की मौत गोली लगने से हुई है, हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। सूत्रों की माने तो मृतक का कोई विभागीय मामला चल रहा था, जिसके चलते मृतक पुलिसकर्मी काफी समय से तनावग्रस्त था। आपको बता दें कि मृतक उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।